खबर उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से है। शिक्षक दिवस के पूर्व गुरु और शिष्य के लगाव का नज़ारा देख लोगों ने नम आंखों से आदर्श गुरु के नमन किया। 96 विकास खंड के चटेजा ग्राम सभा में स्थित कंपोजिट विद्यालय की प्रध्यापिका दीपमाला को निलंबित कर दिया गया। शनिवार को दोपहर निलंबन की जानकारी मिलते ही बच्चों ने अपनी शिक्षिका को गेट पर ही घेर लिया। दीपमाला के समझाने और मैं लौट कर फिर आऊंगी का प्रॉमिस करने पर बच्चों ने रास्ता छोड़ा। इस दौरान पुलिस को बुलाना पड़ गया था। जिगना थाना क्षेत्र के कंपोजिट विद्यालय चढ़ेजा में रसोईया के कमरे में बंद रह जाने का मामला 27 अगस्त को सामने आया था, जिस पर जांच के बाद प्रध्यापिका दीपमाला और एक शिक्षक को निलंबित कर दिया गया था। आज शनिवार को शिक्षिका का विद्यालय में अंतिम दिन होने की जानकारी बच्चों को मिली। विद्यालय से शिक्षिका के निकलते समय बच्चों ने शिक्षिका को घेर लिया, विद्यालय से न जाने देने पर अड़ गए। जानकारी मिलते ही परिजन भी जुट गए। प्रध्यापिका के खिलाफ की गई कार्रवाई का विरोध करने लगे। बच्चों व अभिभावकों ने शिक्षिका के कार्यों की प्रशंसा करते हुए निलंबन की कार्रवाई का विरोध जताया और साजिश का हिस्सा बताया। मौके पर पहुंचे खंड शिक्षा अधिकारी राजेश श्रीवास्तव ने बच्चों व अभिभावकों को समझाया कि शिक्षिका यहीं रहेगी, तब जाकर बच्चे माने और घर गए। इसके बाद स्कूल में ताला बंद किया जा सका। रसोईया के कक्ष में बंद किए गए जाने के मामले में बीएसए ने 3 सदस्यीय टीम गठित कर जांच कराई थी। जांच रिपोर्ट में शिक्षिकाओं गुटबंदी सामने आया था। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने प्रधानापिका व एक सहायक शिक्षक को निलंबित कर दिया। प्रधानापिका ने गंभीर आरोप लगाया कि स्कूल का एक ही अध्यापक बच्चों के साथ उन्हें भी मानसिक रूप से टॉर्चर करता है। उनके द्वारा गंदे तरीके से हरकतें की जाती हैं, बल्कि छोटी छोटी बच्चियों से अर्मायोदित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी का विरोध करने पर मुझे निलंबन का पुरस्कार मिला है। विद्यालय में बच्चों के रोने और शिक्षक को रोकने के पूरे प्रकरण को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने साजिश का हिस्सा बताया। कहा, ये जानबूझकर माहौल बनाया गया, बच्चों को घर से बुलाकर वीडियो बनाकर वायरल किया जा रहा है। ये कर्मचारी आचरण नियमावली के खिलाफ है, इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। जिला शिक्षा अधिकारी के बयान से विद्यालय साजिश का अखाड़ा बन गया। एक रसोईया ने दूसरे रसोईया को साजिश के तहत बंद किया था। मामले को सुलझाने के लिए प्रधानापिका का तबादला किया गया। खंड शिक्षा अधिकारी राजेश श्रीवास्तव ने भले छात्रों के सामने झूठ बोल दिया है, लेकिन जंग का मैदान बने विद्यालय का असली कहानी जांच में सामने आएगी। शिकायत कर रही हूँ, 1.5 साल से वो टॉर्चर करता है मुझे। जब से चार जब मुझे प्रताड़ित कर रहा है वो, मुझे कोई काम नहीं करने देता, किसी काम में सहायता नहीं करता है। मैं इतने दिनों से बोल रही हूँ, मैं अपने चैनल को छोड़ी ही नहीं, क्योंकि मुझे अपने विभाग के थ्रू जाना था। उस व्यक्ति ने वो यहाँ शराब पीता है, यहाँ गंदी हरकत करता है स्कूल में। मैं उसका सही रसोईया के साथ मिलकर गंदी हरकत करता है,
एक टीचर जो कक्षा चार का कक्षा अध्यापक है अमिताभ सिंह, वो लड़कियों से पूछता है कक्षा छः सात की लड़कियों से कि तुम पैड्स कहाँ डिस्पोज करती हो, कैसे पैड्स लेती हो तुम, ये लड़कियों से पूछ रहा है वो सवाल, उनको वीडियोस दिखाता है। मैं उसके खिलाफ हूँ तो आज मैं गलत हूँ? बस मेरा एक सवाल है कि क्या जो पीड़िता है और जो पीड़ित कर रहे, दोनों के लिए एक समान न्याय होता है? आज क्या इतने बच्चे ये जो हैं इकट्ठे झूठे हैं, क्या ये बच्चे झूठे हैं? मेरा यहाँ होना ना होना मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि जिस व्यक्ति ने इस स्कूल का जहाँ का वो खाता है उसने इसको ध्यान नहीं दिया और उसने इतनी बड़ी साजिश रची, स्कूल टाइम के बाद उसने रसोई को घुसा दिया है, उसके खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई होनी चाहिए, उसको जेल भेजा जाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।